अय्यूब की पुस्तक अध्याय 19, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 19। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इन दसों बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? और मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव उपद्रव यो चिल्लाता रहा हूं, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दोहाई देता रहा हूं, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता, और मेरी डगरें अंधेरी कर दी गई है। मेरा विभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिए है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा, और मेरा आसरा उसने वृक्ष की नाई उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है, और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं, और जो मुझे जानते थे वह मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी है। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूं। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरा गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में अनजान का सा लगता है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं, और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं, और जिनसे मैं प्रेम किया सो पलटकर मेरे विरोध में हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं, और मैं बाल बाल बच गया हूं। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर की नाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी शरीर में होकर मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, और न कोई दूसरा, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाता है, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो, हम इसको क्यों कर सताए? क्यों तुम तलवार से डरो? क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है।